मुंबई के गड्ढों ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार। बीएमसी की लापरवाही ने ले ली पति पत्नी की जान। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर गड्ढे से हुआ हादसा। मुंबई में गड्ढों को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। हजारों करोड़ों के बजट के घोटालों का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन गड्ढों के चलते जान गंवा चुके मृतकों के परिवार वाले पीछे बेबस और बेसहारा छूट जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार नजीर शाह और छाया खिलारे का है। कुछ दिन पहले तक दोनों अपने परिवार के साथ खुशी से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन 17 अगस्त की दोपहर को जो हुआ उसके बाद इनका परिवार टूट गया, जिसके पीछे की वजह है और कुछ नहीं, केवल बीएमसी की लापरवाही और सड़क का एक गड्ढा है। दरअसल 17 अगस्त को मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक दुर्घटना में पति पत्नी के साथ मौत हो गई। पत्नी छाया खिलारे फिल्म लाइन में मेकअप आर्टिस्ट और पति नजीर शाह स्पॉट बॉय का काम किया करता था। दोनों काम करने के लिए अंधेरी में अपने घर से निकले और मीरा रोड की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा आ गया उसके बगल से भी जाना मुमकिन नहीं था। इस गड्ढे में नजीर की मोटरसाइकिल फंसी और दोनों पति पत्नी ट्रक के नीचे आ गए। जैसे ही दोनों गिरे, एक बड़ा डंपर उनको कुचल देता है। इस घटना में दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन पोल खोलने से बचने के लिए बीएमसी इस पर लीपापोती कर देती है। इतने बड़े हादसे के बावजूद पास में कुछ ही मीटर की दूरी पर उससे भी बड़ा गड्ढा नजर आया, जहां से गुजरने वाली गाड़ियां की स्थिति बेहद खराब है। एक्सप्रेसवे पर इतना बड़ा गड्ढा होने पर बीएमसी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस घटना के बाद परिवार का बुरा हाल है। नजीर के दोनों बच्चे अपने माँ बाप के बिना अनाथ हो गए। नजीर की माँ ने कहा, वे रोज की तरह काम पर निकले लेकिन लौट नहीं पाए, सिर्फ एक गड्ढे ने उनकी जान ले ली। सरकार को शर्म आनी चाहिए, उसके बच्चों की कौन देखभाल करेगा, मैं कितने दिन ही जी पाऊंगी। उनसे रोज झूठ बोलती हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी सो रहे हैं, तुम बड़े हो जाओगे तो उठ जाएंगे। नजीर और छाया की बेटी को हमने नानी के घर भेज दिया है। नजीर के भाई निजाम बताते हैं कि इस हादसे के बाद उन्हें कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए नजीर की बहन नजमा ने बताया कि सिर्फ भाई भाभी कमाते थे तो घर की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया। इतना ही नहीं, मृतकों के पड़ोसी और रिश्तेदारों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि जब नियम बनाए जाते हैं आम नागरिक के लिए, तो सड़क सही क्यों नहीं होती। गड्ढों से जान जाती है, मुंबई जैसे शहर में ये शर्म की बात है। लेकिन पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया है।